बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की शासी निकाय की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार जिसका आयोजन आज किया गया, आज 439 राज्य के विभिन्न माध्यमिक संबद्धता वाले संस्थानों की संबद्धता को निलंबित किया गया है। 439 माध्यमिक संबद्धता वाले शिक्षण संस्थानों की माध्यता को भी, की संबद्धता को भी आज निलंबित किया गया है। और इसके साथ ही 7 उच्च माध्यमिक संस्थान की संबद्धता को भी आज निलंबित किया गया है। ये 446 शिक्षण संस्थान ऐसे संस्थान हैं जिनके द्वारा जो भी निर्धारित मापदंड है विद्यालयों के लिए, ऐसे संस्थानों के लिए, चाहे वह कक्ष संबंधित हो, क्लासरूम्स, कंप्यूटर्स, शिक्षक या से अन्य कई प्रकार के मापदंड हैं, उन मापदंडों को इनके द्वारा पूरा नहीं किया जाता था। इसमें से कुछ ऐसे भी संस्थान हैं जिन्होंने जांच कार्य में सहयोग नहीं किया, वैसे भी कुछ संस्थानों को निलंबित किया गया है। इन सभी संस्थानों को निलंबित करने के उपरांत इनको मौका दिया जाएगा कि जो भी इनमें कमियां हैं उसको भी पूरा करें, और यदि निर्धारित अवधि के अंदर उन कमियों को पूरा नहीं करते हैं तो इन संस्थानों की मान्यता को रद्द करने के संबंध में विचार किया जाएगा। इस हेतु शिक्षा विभाग द्वारा पदाधिकारियों के माध्यम से इन सभी संस्थानों की अलग अलग जांच कराई गई थी, निरीक्षण कराया गया था, और निरीक्षण में जो कमियां प्रतिपादित हुई हैं, निरीक्षण में जो खामियां प्रतिपादित हुई हैं, उन खामियों के आलोक में इन 446 विद्यालयों और शिक्षण संस्थानों की मान्यता को निलंबित आज किया गया है। जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनका बोर्ड और इन संस्थानों में जो भी विद्यार्थी पठन पाठन कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को निकट के शिक्षण संस्थानों से टैग किया जाएगा ताकि वैसे विद्यार्थियों के भविष्य में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो। और यह विशेष प्रावधान यह भी किया गया है कि चूंकि अब वार्षिक परीक्षा की तिथि अब काफी नजदीक है, अतः ऐसे विद्यार्थियों का, इन सभी शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों का एडमिट कार्ड और अन्य सभी प्रवेश पत्र और जो भी उसके कागजात हैं उसको इन शिक्षण संस्थानों के माध्यम से ही उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा ताकि उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। उन विद्यार्थियों के सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह विशेष निर्णय लिया गया है और इन सभी संस्थानों को कमियों को दूर करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाएगा। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।